प्रिय पाठकगण, पतंजलि आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं संस्थान का निदेशक डॉक्टर संजय कुमार तिवारी आपको एक बार पुनः बड़ा ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूं। आप लोगों के लिए आज बड़ा ही खुशी एवं हर्ष का दिन है, क्योंकि लगातार 3 वर्षों से आप इस प्रयास में थे कि आखिरकार झारखंड में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की शुरुआत कब होगी। तो जो भी यहाँ नियुक्तियां होनी है, सहायक आचार्य, हाई स्कूल शिक्षक और 10+2 शिक्षक में, उसमें 10+2 शिक्षक का विज्ञापन झारखंड सरकार के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी सूचना जारी की है। सूचना के मुताबिक आप झारखंड में 25 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं, दे सकते हैं, और अंततः जो है 23 सितंबर लास्ट तिथि है जब आवेदन आप जमा कर सकते हैं। इस एग्जाम को लेकर छात्रों में कई तरह का भ्रम है, कैसे तैयारी करें, इन सब बातों को लेकर द्वंद है। तो उन्हीं सभी प्रश्नों का समाधान देने के लिए मैं आपके सामने रूबरू हुआ। सर्वप्रथम आपको यह सूचित कर दूं कि आपका राज्य जिस सरकार का है उसके तुलना में जो भी 10+2 में सीटें आई हैं वह पर्याप्त संख्या में है, और इसको लेकर के दिमाग में कोई भ्रम ना पालें कि इतने कम सीटों में मेरा चयन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि राज्य के अनुसार जो पद सृजन किए गए हैं वो पर्याप्त मात्रा में है। आप इसे तालिका में देख सकते हैं। पतंजलि आईएएस एकेडमी में लगातार कल से कॉल आ रहे थे और इस बात की जानकारी के प्रयास किए जा रहे थे कि क्या कोई नया बैच पतंजलि आईएएस एकेडमी में शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर शुरू हो रहा है तो इसका सिलेबस अत्यंत व्यापक है, यह निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, खबर यह भी आ रही थी कि एडमिशन को लेकर छात्रों में होड़ था कि वे तत्काल एडमिशन चाहते हैं, कहीं ऐसा न हो कि ऑनलाइन में वैकेंसी आने के बाद फी राशि में बढ़ोतरी कर दी जाए। मैं इन सभी प्रश्नों का आपको यथेष्ट उत्तर आज दे रहा हूं। पतंजलि आईएएस एकेडमी में मैंने अपने सभी विषयों के शिक्षक को यह बात कहा है कि वे एक ऐसा कैलेंडर तैयार करें जिसमें 100 दिन की समय सीमा के भीतर एक पूरा सिलेबस कंपाइल किया जा सके और उसको सुव्यवस्थित ढंग से स्टडी किया जा सके और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बाहर निकालकर छात्रों तक पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए रोड मैप बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 1-2 दिनों में 100 दिन का कैलेंडर कि कैसे आपका पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट होगा वो जारी कर दिया जाएगा। उसके पश्चात 100 दिन के इस कैलेंडर को जारी होने के बाद जो है आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह हैं वो सब उसी के साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये बिल्कुल नया बैच होगा और इस बैच की शुरुआत 8 अगस्त यानी सोमवार से किया जा रहा है। तो आप इस बात को लेकर के अपने भीतर का द्वंद हटा दें कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा, या हम जल्दी जल्दी में किसी संस्थान में दाखिला लेकर ठगे जा सकते हैं। दूसरी बात, कुछ विद्यार्थियों के द्वारा स्वर मचाया जा रहा है कि परीक्षा आगामी आने वाले 70-80 दिनों में हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 1 महीने अभी तो आपके पास अगस्त का महीना चल रहा है और ये पूरा का पूरा महीना जो है वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया के शुरुआत में निकल जाएंगे। अगले महीने तक फॉर्म भरा जाएगा तो उसके बाद भी आपको 3 महीने के समय रहेंगे, यानी 4 महीने आपको इस एग्जाम को पूर्ण कराने के लिए पर्याप्त रूप से मिलेंगे, और इतना समय काफी पर्याप्त है कि आप अपनी तैयारियों को न केवल धार दें बल्कि उनका मूल्यांकन कर लें और मूल्यांकन करने के उत्पाद अपने रिजल्ट के प्रति आश्वस्त हो लें। तीसरी बात, जहां तक है फी वृद्धि का, किसी भी प्रकार का एग्जाम कंडक्ट होने पर जो भी पोर्टल दिख रहे हैं उसमें किसी प्रकार के फी में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की जा रही है। हाँ, कुछ छात्रों की शिकायतें थी, कल वैकेंसी आने के कारण बड़े पैमाने पर कॉल आए, उसमें हजारों की संख्या को कॉल को हम लोग नहीं रिसीव कर पाए। हिंदी साहित्य के लिए डॉक्टर संजय सरोज कुमार, अंग्रेजी साहित्य दोनों साहित्य सब्जेक्ट में देखे रविशंकर कुमार, गणित के लिए गौरव भारद्वाज सर, भौतिकी के लिए कृपा शंकर कुमार, जीव विज्ञान के लिए आर के रंजन सर, रसायन विज्ञान के लिए अरुण कुमार गुप्ता, हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए मैं खुद आपके सामने प्रस्तुत हूँ डॉक्टर संजय कुमार तिवारी, भूगोल के लिए नवनीत रंजन, अर्थशास्त्र के लिए नीरज कुमार दास और कॉमर्स के लिए संजय मिश्रा सर। सभी पतंजलि आईएएस एकेडमी की खासियत रही है यहाँ कोई भी शिक्षक 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखता है,
लोग 25-25 वर्षों तक अपने अध्ययन का जो अनुभव होता है वो आपके सामने लेकर के आते हैं। शिक्षकों का पैनल ये जो आपके साथ काम करेगा, कुछ और विषयों की भी विज्ञापन है, मैं उनके शिक्षकों के नामों का भी ऐलान कर दूंगा। लेकिन आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो बिना किसी झिझक के और परेशान हुए आप आराम से तैयारियों को तैयारी में लग जाइए। हम पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है, कि आपका परीक्षा इस कदर संपन्न हो कि आप रिजल्ट के प्रति पूर्णतः आशान्वित रहें। ठीक है, तो फिर अगली कड़ी में आएंगे तो हम इस विज्ञापन में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कुछ लोगों के लेके बहुत सारे प्रश्न हैं कि जाति को लेकर के कब तक का होना चाहिए, और बाकी कैसे हम लोग झारखंड में अगर नहीं है तो हम लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। आपको यहां बता दें, सिंपल सा अर्थ है, अगर कोई विद्यार्थी एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंतर्गत आता है और अगर वह झारखंड का व्यक्ति नहीं है, सॉरी, अगर वह झारखंड से मैट्रिक और इंटर नहीं किए हुए हैं तो वे आवेदन भरने के लिए इलिजिबल है। और कुछ प्रश्न जिनका डिटेल हम अगली बार देंगे कि क्या कहां पर रिपेयरिंग कैंडिडेट होते हुए आप आवेदन दे सकते हैं, तो इसके लिए इंतजार कीजिए अगली कड़ी का वीडियो का जो जल्दी हम लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।